ये वीडियो पे एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज के एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 3.1। तो व्हाट इज द क्वेश्चन? द स्टोरेज बैटरी ऑफ ए कार हैज ईएमएफ 12 वोल्ट। ईएमएफ दे दिया है। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज 0.4 ओम। इंटरनल रेजिस्टेंस दे दिया गया। व्हाट इज द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी? तो सपोज दिस इज योर बैटरी, ये बैटरी है, और ये बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस R 0.4 ओम। तो इससे हम कितना ज्यादा करंट ले सकते हैं, मैक्सिमम करंट? और इसका ईएमएफ दिया गया है 12 वोल्ट। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा जितना ज्यादा होगा उतना कम करंट होगा, क्योंकि हमें पता है E इक्वल टू IR। तो इधर इंटरनल रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा हमारा I उतना कम हो जाएगा, और I इक्वल टू E/R। तो ये हम मैक्सिमम करंट ले सकते हैं, और बाहर कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लग जाएगा तभी और करंट घट जाएगा, क्योंकि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस आपका ऐड हो जाएगा करंट के लिए। तो इधर मान लीजिए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कुछ नहीं, डायरेक्ट हम मेजर कर रहे हैं, तो इससे मैक्सिमम कितना ले सकते हैं? E/R। तो E कितना है? 12 वोल्ट। R कितना है? 0.4 ओम। और ये आपका बन गया, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 120/4, तो 30 एम्पियर। तो मैक्सिमम कितना ले सकते हैं करंट? IMAX 30 एम्पियर तक, क्योंकि इससे ज्यादा हम ले नहीं सकते, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस तो रहेगा ही रहेगा। इंटरनल रेजिस्टेंस जब बोल दिया 0.4, उससे कम इंटरनल रेजिस्टेंस और हम कर नहीं पाएंगे। तो ये मैक्सिमम करंट हो जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ओनली V इक्वल टू IR फॉर्मूला यूज करके आप इसका सोल्यूशन कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, 3.2, करंट इलेक्ट्रिसिटी का। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत इजी क्वेश्चन है। ए बैटरी ऑफ ईएमएफ 10 वोल्ट। तो इधर क्या दे दिया है? बैटरी का ईएमएफ दे दिया है। सपोज ये आपका बैटरी है, दिस इज योर बैटरी, इसके ईएमएफ है 10 वोल्ट। बैटरी ऑफ ईएमएफ 10 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम। तो इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? 3 ओम है। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर कनेक्टेड टू ए रेजिस्टर? तो दिस बैटरी इज कनेक्टेड टू ए एक्सटर्नल रेजिस्टर, लेट से आर। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर एंड व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज? टर्मिनल वोल्टेज मीन दिस आउटपुट वोल्टेज वी यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू फाइंड आर। इफ द करंट इन द सर्किट इज 0.5 एम्पियर, सो करंट आई इज फ्लोइंग 0.5 एम्पियर, एंड यू सो यू हैव टू कैलकुलेट वी एंड आर। सो दीज आर द टू थिंग्स यू हैव टू कैलकुलेट। सो व्हाट यू विल डू नाउ, वी नो दैट ई एम एफ एंड योर इंटरनल रेजिस्टेंस हाउ दे आर रिलेटेड। ना ई एम एफ माइनस आई आर, दिस आई आर इज द वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू द इंटरनल रेजिस्टेंस, आई इंटू आर इज अ वोल्टेज, इक्वल टू योर आउटपुट वोल्टेज वी। दिस इज योर आउटपुट वोल्टेज वी। तो ई एम एफ इज गिवेन 10, आई इज 0.5, आर इज 3, दैट इज इक्वल टू वी। तो यू कैन राइट 10 माइनस 0.5 इंटू 3 मीन्स इट्स 1.5, 5/10 इंटू 3, सो इट्स 1.5। फिफ्टीन बाई टेन, सो दिस इज बी, और 10 माइनस 1.5 इज इट्स 8.5 वोल्ट इज बी, और यू कैन से बी इक्वल टू
8.5 वोल्ट। सो व्हाट इज द आउटपुट वोल्टेज? आउटपुट वोल्टेज हमको क्या मिला? दिस इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑल्सो यू कैन कॉल दैट इज द हियर द वोल्टेज विल मेजर। नाउ द सेम वोल्टेज विल बी ऑल्सो अक्रॉस दिस रजिस्टर, तो उसको हम यूज करेंगे तो हमें यही सेम वोल्टेज मिलेगा इधर। तो हम इसको कर सकते हैं कि V इक्वल टू आई आर, तो आर विल बी इक्वल टू वी बाई आई। तो वी हमें क्या मिला? 8.5, आई है 0.5, तो 5/10 लिख सकते हैं, दैट मीन्स 8.5 इंटू 10/5 लिख सकते हैं, तो ये 2 हो जाएगा, दैट मीन्स, और 0.5 को 1/2 लिख सकते हैं, तो 8.5 इंटू 2 दैट इज 17 ओम। तो ये हो गया तुम्हारा रेजिस्टेंस। ऐसे कर सकते हो, कोई इशू नहीं। और भी फॉर्मूला लगा सकते हो, जैसे दूसरा अल्टरनेटिव वे में भी कर सकते हो, जैसे आर हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस 3 हो गया, तो टोटल इक्वेशन क्या बनेगा सर्किट करंट का? करंट का क्या इक्वेशन बन जाएगा? करंट विल बी इक्वल टू ईएमएफ बाई टोटल रेजिस्टेंस दैट इज आर प्लस आर। ये भी एक इक्वेशन बन जाएगा। तो इसमें करंट 0.5 दिया हुआ है, ई इलेक्ट्रो ईएमएफ 10 वोल्ट दिया हुआ है, आर दिया हुआ है। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके तुम्हें आर मिल जाएगा, और आर मिल गया तो इस करंट, इसमें करंट 0.5 हो रहा है, तो भी इक्वल टू आई आर करके ये टर्मिनल वोल्टेज भी निकाल सकते हो, ऑल्टरनेट वे में जा सकते हो। ठीक है, दोनों मेथड में सेम आंसर आएगा। तो ये हो गया तुम्हारा 3.2। कोई भी डाउट होगा कमेंट करके बताना, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। चलो तो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3.3। तो 3.3 हम कैसे सॉल्व करेंगे? व्हाट आर द थिंग्स गिवन हियर? जो चीज़ इधर गिवन है पहले उसको लिख लेते हैं, तो आपको इजी होगा इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो क्वेश्चन क्या गिवन है? क्वेश्चन ये दिया गया है, एट रूम टेम्परेचर 27 डिग्री, रूम टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली 27 डिग्री पकड़ा गया है, द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटिंग एलिमेंट इज 100 ओम। रेजिस्टेंस ऑफ द हीटिंग एलिमेंट, कोई भी हीटिंग एलिमेंट एक है जो कि कॉयल कॉयल टाइप का है, गर्म हो सकता है, और इसका रेजिस्टेंस कितना दिया गया है? 100 ओम। तो इस टाइप का क्वेश्चन को पहले आप लिख लो कि क्या गिवन है, तब तो आपको इजी हो जाएगा सॉल्व करने के लिए। एट रूम टेम्परेचर 27 डिग्री द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटिंग एलिमेंट इज 100 ओम। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट इफ द रेजिस्टेंस इज फाउंड टू बी 117 ओम? तो क्या है ना, टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से बढ़ा, क्योंकि हमें पता है टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो टेम्परेचर जब बढ़ा तब क्या हुआ, रेजिस्टेंस बढ़ के हो गया, रेजिस्टेंस बढ़ के हो गया 117 ओम। पूछ रहा है कि व्हाट इज द टेम्परेचर व्हेन दिस वन बिकम 117, व्हाट इज द टेम्परेचर व्हेन इट बिकम 117 ओम। ठीक है, तो ये हमें फाइंड आउट करना है। और क्या दिया है, कोफिशियंट ऑफ मेटेरियल ऑफ द रेजिस्टर इज गिवेन, दैट मीन्स अल्फा इज गिवेन 1.7010^-4 डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स। कोफिशियंट ऑफ द टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ द मेटेरियल ऑफ द रेजिस्टर इज गिवेन। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर विथ अस? फॉर्मूला ये है कि रेजिस्टेंस एट ए टेम्परेचर टी विल बी इक्वल टू रेजिस्टेंस एट
द रूम टेम्परेचर और इनिशियल टेम्परेचर विथ 1 प्लस टेम्परेचर कोफिशियंट मल्टीप्लाइड बाई द डिफरेंस इन टेम्परेचर दैट सो इधर देखो हम लोगों के पास क्या क्या है और क्या पूछा है। हम लोग को पूछा है कि कौन सा टेम्परेचर, मतलब हमें ये पूछा है टी, पूछा है टी जीरो गिवेन है, टी जीरो क्या है रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर और जो टेम्परेचर बनेगा, जो टेम्परेचर पे हमारा 117 ओम हो रहा है, तो 117 क्या है आर टी है, आर एट टेम्परेचर टी, आर एट टेम्परेचर टी इज 117। आर जीरो क्या है इनिशियल टेम्परेचर जबकि रूम टेम्परेचर और तब टी जीरो टेम्परेचर में, दैट इज योर 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे। 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे रेजिस्टेंस कितना है 100 ओम, दैट मीन्स ये आर जीरो तुम्हारा हो गया, आर जीरो हो गया 100 ओम। तो ये सारे डाटा हमारे पास है, ओनली टी निकालना है। तो हम क्या कर सकते हैं, जस्ट इसको हम इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे और इजीली लिख देंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। सो आर टी इक्वल टू आर जीरो प्लस आर जीरो अल्फा टी माइनस टी जीरो। तो देखो कैसे इजीली बन जाएगा। तो हमें निकालना क्या है, टी निकालना है। तो अभी मैं लेफ्ट साइड में लिख लेता हूँ, आर टी माइनस आर जीरो इक्वल टू आर जीरो अल्फा टी माइनस टी जीरो। तो इसको डिवाइड कर देता हूँ इधर, तो आर टी माइनस आर जीरो, आर टी इज द रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी डिवाइडेड बाई आर जीरो अल्फा, आर जीरो इज द रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी जीरो। जब टेम्परेचर बढ़ रहा है रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, तो टी माइनस टी जीरो। ठीक है, अभी आर टी माइनस आर जीरो क्या है, आर टी इज 117, आर जीरो क्या है 100 डिवाइडेड बाई आर जीरो कितना है 100 मल्टीप्लाइड बाई 1.7 इंटू 10 to the power -4 विच इज इक्वल टू टी माइनस टी जीरो। तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो 17/100 इंटू 1.7 10 to the power -4 इज टी माइनस टी जीरो कितना 27। बोल सकते हो सर केल्विन पे क्यों नहीं किया, क्योंकि डिफरेंस है, तो केल्विन में कर भी देंगे तो भी डिफरेंस सेम आएगा, तो कोई इशू नहीं है, हम टेम्परेचर को सेंटीग्रेड में भी रखेंगे। तो 1.7 का 17 कितना होता है 10 टाइम्स, और 10 इधर 100 एक जीरो कट जाएगा, तो ये 10 into 10 to the power -4 10 to the power -3 बन जाएगा। तो हमें कितना मिल रहा है, 1/10 to the power -3 इक्वल टू टी माइनस 27। और हम इसको लिख सकते हैं कि टी इक्वल टू 1/10 to the power -3 मीन्स उसको ये डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, तो 10 to the power 3 बन जाएगा, 10 to the power 3 मीन्स 1000, और ये 27 लेफ्ट को चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास टेम्परेचर कितना है 1027 डिग्री सेंटीग्रेड, 1027 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारा क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस 117 बढ़ेगा। तो 17 ओम का रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए टेम्परेचर 27 डिग्री से 1027 डिग्री सेंटीग्रेड तक लेना होगा, तब 17 ओम का रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो थोड़ा सा रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा हमें टेम्परेचर की ज़रूरत होगा, इससे हमें पता चल रहा है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3.1 to 3.3। इस चैप्टर का एज पर रिवाइज शेड्यूल रिवाइज सिलेबस आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में टोटल 9 क्वेश्चन हैं। तो हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, एक हो गया अप टू 3.3 हो गया, उसके बाद 3.456 और एक में करेंगे, और 7, 8 और 8, 9 को और एक पार्ट में करेंगे। तो 3 पार्ट में हम इस चैप्टर का सॉल्यूशन एनसीईआरटी एक्सरसाइज का कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट पार्ट।